तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एफएल इंडिया के बारे में। तो एफएल इंडिया के स्टॉक में देखिए दोस्तों, आज भी हमको करीब 4.25% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। और आई थिंक मॉर्निंग के सेशन में तो इसने ऑलमोस्ट अपना अपर सर्किट भी टच किया था। तो पिछले कई दिनों से अगर आप देखें तो हमको दोस्तों इसमें शानदार एक रनअप देखने को मिल रहा है, लगातार अपर सर्किट देखने को मिल रहे हैं। अगर निचले स्तरों से बात करें तो देखिए करीब 3800 के आसपास इसने यहाँ पर लो बनाया था, उसके बाद से अगर आप देखें तो करीब 24% की यहाँ पर शानदार रिकवरी हो चुकी है। डेफिनेटली यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट की अपडेट थी दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जनरेट हुए और उसके बाद से एक शानदार रिकवरी देखने को मिली। लेकिन अगर बात करें दोस्तों, पिछले कई टाइम से हम आपके साथ यहाँ पर वीडियो शेयर कर रहे हैं, चलिए बॉटम फिशिंग आप नहीं भी करते हैं कोई नहीं कर सकता ये तो हम मानते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ भी इसको बाय करते तब भी आप देखिए कितना अच्छा यहाँ पर जो है हमारा यहाँ पर रिटर्न बन चुका होता। लेकिन दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपका लॉन्ग टर्म यहाँ पर नजरिया है, लॉन्ग टर्म होराइजन आपका यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं आप इस कंपनी को, इस बिजनेस को, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि दोस्तों ये मल्टी बैगर कंपनी बन सकती है। अभी भी आप इसको बाय कर सकते हैं अगर आपका लंबे समय का नजरिया है। अब उसके पीछे क्या रीजन है वो आपको मैं दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हालांकि कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं एनुअल रिपोर्ट दोस्तों पढ़ रहा था, अभी हाल ही में यहाँ पर जो है रिपोर्ट आउट हुई है एनुअल रिपोर्ट, तो उसके कुछ मैं पॉइंट्स हाईलाइट यहाँ पर पढ़ रहा था जो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, अभी भी आप अगर बाय करते हैं, अगर आपके लंबे समय का नजरिया है तो डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं। क्योंकि देखिए फंडामेंटली भी कंपनी बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, मैनेजमेंट काफ़ी एफिशिएंट है और जो सेक्टर है दोस्तों काफ़ी हाई ग्रोथ सेक्टर को एक कंपनी बिलोंग करती है। और जिस प्रकार से ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली ये ग्रो कर रहे हैं दोस्तों, मुझे लगता है कि एफएल इंडिया यहाँ से ज़बरदस्त आपको जो है परफॉर्मेंस दे सकता है लॉन्ग टर्म में। अब चलिए दोस्तों एनुअल रिपोर्ट पे चलते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहूँगा जिसकी वजह से आपका कन्विक्शन और ज़्यादा इसमें बढ़ सकता है। हालाँकि मैं पिछले कई वीडियोज़ में दोस्तों आपके साथ में कई सारे ऐसे पॉइंट्स हाईलाइट कर चुका हूँ, कई सारी ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ जो शायद आपको ना पता हो। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देखिएगा दोस्तों, उस वीडियो में भी आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आई बटन में दोस्तों आपको लिंक दे दूंगा अगर हो सका तो। चलिए एनुअल रिपोर्ट पे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट जो है, लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट है एफएल की, तो यहाँ पर एफएल 2.0 स्ट्रेटेजी के बारे में बात की गई है, जहाँ पर दोस्तों मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है। अब ये एफएल 2.0 स्ट्रेटेजी है क्या, तो बेसिकली दोस्तों ये जो है प्राइमरीली एंकर्ड ऑन वर्नाकुलर वर्टिकलाइजेशन एंड इकोसिस्टम लेवल मोबाइल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ऑपरेटर्स एंड पब्लिशर पार्टनरशिप टू ड्राइव डिजिटली इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर ऑल आर स्टेक होल्डर्स एम टू रीच 10 बिलियन कनेक्टेड डिवाइसेज। तो जी हाँ दोस्तों, अभी जो एफएल के कनेक्टेड डिवाइसेज हैं वो आई थिंक अराउंड 2.2 बिलियन कनेक्टेड डिवाइसेज हैं। अब यहाँ पर जो इनका दोस्तों टारगेट है, जो ये रीच करना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, वो है 10 बिलियन कनेक्टेड डिवाइसेज अक्रॉस दी ग्लोब। तो जी हाँ दोस्तों, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये यहाँ पर टारगेट है। चलिए अब यहाँ पर तो डेफिनेटली इसकी बात हो गई, लेकिन अगर एफएल की बात करें तो आपको पता है दोस्तों एफएल एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है, बेसिकली एक मोबाइल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड करती है, डिजिटल एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर बात करते हैं एफएल की आगे के विजन की, तो इनका विजन क्या है, देखिए दोस्तों, वी डिस्टिंग्विश आरसेल बाय इनोवेटिंग कंटिन्यूअसली स्केलिंग अप आवर टेक कैपेबिलिटीज एंड हैव द लॉन्ग टर्म विजन। तो लॉन्ग टर्म विजन की यहाँ पर बात की जा रही है, टू पावर द नेक्स्ट फॉर अ मोबाइल फर्स्ट कनेक्टेड वर्ल्ड थ्रू आर एफएल 2.0 स्ट्रेटेजी फॉर द डेकेड अहेड। तो यहाँ पर दोस्तों अगले दशक की बात की जा रही है। तो जी हाँ दोस्तों, एफएल 2.0 स्ट्रेटेजी से यहाँ पर अगले दशक के यहाँ पर ये विजन टारगेट कर रहे हैं, जहाँ पर ये डेफिनेटली दोस्तों 10 बिलियन डिवाइसेस तक यहाँ पर टारगेट इनका अचीव ये कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जिस प्रकार दोस्तों यहाँ पर यू नो एक फोकस है दोस्तों, जिस प्रकार पेनिट्रेशन हो रहा है, जिस प्रकार डिजिटल एड स्पेंडिंग हो रही है इंडस्ट्रीज के द्वारा, एंटरप्राइजेस के द्वारा, दोस्तों एफएल इंडिया यहाँ पर इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। तो चलिए ये तो हो गया एक पार्ट, अब इसी रिपोर्ट का दोस्तों आपको मैं दूसरे पार्ट पे लेके चलता हूँ, जहाँ पर इन्होंने बात की है कि ओवरऑल ग्रोथ कहाँ से आ सकती है। देखिए इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी एंड इंक्रीजिंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन। तो इंडिया की जब बात करें दोस्तों, आपको पता है कि स्मार्टफोन पेनिट्रेशन यहाँ पर बहुत तेजी से हमारा बढ़ता हुआ देखने को हमको मिल रहा है, और एज पर सर्वे, एज पर रिपोर्ट से मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। वापस एक बार बात करें तो देखिए अकॉर्डिंग टू 2020 एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट, करीब जो दोस्तों मोबाइल डेटा ट्रैफिक है वो 28% CAGR से बढ़ सकता है बाय 2026, जो अभी करीब आप देख सकते हैं यहाँ पर है 51 exabytes, और ये ग्रो होकर हो सकता है करीब करीब 226 EB यानी कि एक्साबाइट। तो 28% CAGR से यहाँ पर ग्रोथ आती हुई देखने को मिल सकती है। डेटा ट्रैफिक पर स्मार्टफोन आप देखिए 22% CAGR से यहाँ ग्रोथ आती हुई देखने को मिल सकती है। और ऐप यूसेज एंड रूरल पेनिट्रेशन भी दोस्तों यहाँ पर हमको काफ़ी बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। देखिए इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू हैव मोर देन 900 मिलियन इंटरनेट यूजर्स बाय FY 2025, एंड 75% ऑफ न्यू यूजर ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू कम फ्रॉम रूरल एरिया। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ को यहाँ पर टारगेट
एफएल यहाँ पर कर रही है, इसके बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, जहाँ पर दोस्तों हमको ज़्यादा ग्रोथ आती हुई देखने को मिल सकती है। अगर आप देखें, आप देखिए दोस्तों कितने ज़्यादा यहाँ पर सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, जो कितने ज़्यादा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पर आपको अच्छी खासी डिजिटल एड स्पेंडिंग होती हुई देखने को मिलती है और लगातार पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। अगर आप देखें तो जो कंज्यूमर्स है दोस्तों आपको टीयर टू टीयर थ्री सिटीज से ज़्यादा होते हुए देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप किसी भी यू नो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें, चाहे मौज की बात करें, यूट्यूब की बात करें, शॉर्ट्स की बात करें, फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, आप देखिए दोस्तों अगर कितने मिलियंस ऑफ व्यूज़ में यहाँ पर जो है कंज्यूमर यहाँ पर डेटा कंज्यूम कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर रूरल एरियाज़ की बात करें तो टीयर टू टीयर थ्री सिटीज़ में यहाँ पर ज़्यादा पेनिट्रेशन हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर स्मार्टफोन पेनिट्रेशन बढ़ेगा और करीब 90 यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं कि 90 करोड़ यहाँ पर जो है इंटरनेट यूज़र हो सकते हैं बाय 2025। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रोथ हमको आती हुई देखने को मिलेगी और इवोल्यूशन हो रहा है दोस्तों यहाँ पर कनेक्टेड डिवाइसेज में एंड द फ्यूचर है। तो कनेक्टेड डिवाइसेज बेसिकली दोस्तों जो भी यू नो अमेजोन फायर स्टिक है या फिर आप कह सकते हैं एप्पल टीवी, MI TV, तो आप देखिए दोस्तों इसका भी लगातार ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और इसके बारे में भी आपको मैं पहले एक बार रिपोर्ट आपके सामने सर्वे बता चुका हूँ कि कनेक्टेड डिवाइसेस का भी लगातार दोस्तों यहाँ पर पेनिट्रेशन बढ़ता जा रहा है, जिसका फायदा यहाँ पर एप्पल को हो सकता है क्योंकि यहाँ पर इसके एक्विशन दोस्तों कई हैं, जैसे कि मीडिया स्मार्ट इनका जो एक एक्विशन है डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छा खासा दोस्तों इनको रेवेन्यू बूस्ट दे सकता है अगर कनेक्टेड डिवाइसेस का मार्केट यहाँ से बढ़ता हुआ हमको देखने को मिला। तो डेफिनेटली ग्लोबल ट्रेंड्स की बात करें तो कनेक्टेड डिवाइसेज, जो कनेक्टेड कंज्यूमर डिवाइसेज हैं, उसका मार्केट आप देखिए लगातार दोस्तों हमको यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए ये हो गया एक पॉइंट, अब और बताऊं दोस्तों आपको यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अगर बात करें ग्लोबली, यहाँ पर देखिए हमको देखिए डिजिटल एडवर्टीजमेंट स्पेंड इन इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट ए CAGR ऑफ 30.7% टू रीच $8.25 बिलियन इन FY 2025 फ्रॉम 2.16 बिलियन इन FY 2020। तो डिजिटल एड स्पेंडिंग दोस्तों इंडिया की बात करें तो 30.7% से यहाँ पर ग्रो हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों अगर एड स्पेंडिंग इतनी ग्रो होगी, अगर यहाँ पर कोई लीडिंग कंपनी है एफएल जैसी, तो वो कितनी तेजी से ग्रो हो सकती है अगर यहाँ पर पेनिट्रेशन बढ़ा। तो मोबाइल एडवर्टीजमेंट स्पेंड की बात करें तो 32.4 CAGR से यहाँ पर मोबाइल एडवर्टीजमेंट भी बढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव है। और जब बात करें एफएल 2.0 स्ट्रेटेजी की, जिसके बारे में आई थिंक मैं एक बार पहले भी आपके साथ बात कर चुका हूँ, जहाँ पर ये 10 बिलियन कनेक्टेड डिवाइसेज को का टारगेट अचीव करेंगे आने वाले फ्यूचर में, और अगले दशक का दोस्तों इनका टारगेट है, पूरे एक दशक की यहाँ पर बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म विजन है, कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन है, तो हमको भी दोस्तों लॉन्ग टर्म विजन रखना पड़ेगा एफएल इंडिया के साथ इस अपॉर्चुनिटी को टैप करने के लिए। इसलिए मैं दोस्तों बोल रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर भी बाय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन विजन आपको लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्केट करेक्ट हुआ तो एक मिड कैप कंपनी है, स्टॉक प्राइस भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन रिकवरी दोस्तों आपको उतनी ही तेज इसमें आती हुई देखने को मिलेगी। एफएल की बात करें, देखिए इसका अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो देखिए आप 15 साल से ज़्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड है दोस्तों, ग्लोबल रीच अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, परफॉर्मेंस ड्रिवन बिजनेस मॉडल है, मतलब कि स्केलेबल बिजनेस मॉडल है, एसेट लाइट मॉडल है, लीडिंग इन इंडिया है, स्केलेबल डेटा प्लेटफॉर्म्स हैं, हाई ग्रोथ मार्केट में काम करती है कंपनी, ग्रोथ ड्रिवन ग्लोबल कस्टमर बेस है, रोबस्ट प्रॉफिटेबिलिटी है, स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ प्लान्स हैं। तो जिस प्रकार दोस्तों इन्होंने एक्विशंस किए हैं, मीडिया स्मार्ट की बात करें, ऐप नेक्स्ट की बात करें, रेवेक्स की बात करें, जैम्प की बात करें, यहाँ पर दोस्तों आपको डेफिनेटली इनके एक्विशन की वजह से एक रेवेन्यू बूस्ट आता हुआ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो देखिए बॉबल AI का इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है दोस्तों इनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है फ्यूचर के लिए। IndusOS भी इनका अच्छा एक्विशन था, लेकिन इनका जो है वहाँ पर उन्होंने पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया, अपने स्टेक बेच दिए, क्योंकि वहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा दोस्तों एक सडन ग्रोथ उसमें आती हुई देखने को मिली थी, तो वो बेच दिया, लेकिन वो भी अच्छा इक्वेशन था, सॉरी इन्वेस्टमेंट था, तो उसमें भी जो है इनको ग्रोथ आती हुई देखने को लग रही थी, लेकिन यू नो बिकॉज ऑफ सम रीज़न इन्होंने वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बेच दिया। चलिए बात करें सेल्स ग्रोथ की, तो 3 साल की बात करें, देखिए दोस्तों कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर सेल्स ग्रोथ है कंपनी की। प्रॉफिट ग्रोथ की आप बात करें, देखिए क्या शानदार प्रॉफिट ग्रोथ है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही ज़बरदस्त है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल डेट फ्री यहाँ पर कंपनी आपको मिलती है। तो कंपनी की ओवरऑल स्ट्रेंथ की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है दोस्तों, वीकनेस यहाँ पर कुछ नहीं है। बस हाँ, वीकनेस अगर मैं बताऊँ आपको तो यहाँ पर कुछ कौन से मुझे नज़र आते हैं, वो है दोस्तों कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा, ये एडवर्टीजमेंट का और ये मोबाइल डिजिटल एडवर्टाइजिंग का ये कॉम्पिटिशन बहुत है इसमें, इसके साथ बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पर आ सकते हैं, जैसे कि अमेजोन है, गूगल है, तो ये इनको कॉम्पिटिशन दे सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार दोस्तों इन्होंने इक्वेशन किया, अपनी टेक्नोलॉजी को यहाँ पर यू नो कैपेबल किया है, अपनी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो ग्रोथ गाइडेंस दी जा रही है मैनेजमेंट के द्वारा, वो काफ़ी ज़्यादा कन्विक्शन के साथ दी जा रही है और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के साथ दी जा रही है, वो है 25 से 30%, जो मुझे लगता है कि हमको यहाँ पर आती हुई देखने को मिल सकती है। तो ये है दोस्तों इसके कुछ यहाँ पर
रिटर्न रेशियोज बात करें मार्केट कैप की, तो देखिए मार्केट कैप अभी 12,000 करोड़ का है, लेकिन यहाँ से दोस्तों मार्केट कैप बहुत ऊंचा जा सकता है। स्टॉक का पीई की बात करें तो काफी ज्यादा करेक्ट अब हो चुका है, हिस्टोरिकल पीई के आसपास आ चुका है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, फ्री कैश फ्लोज कंपनी जनरेट करती है, और जितने भी एक्विशन होते हैं दोस्तों इंटरनल अक्रूवल्स के थ्रू यहाँ पर इंटर्न जो है इंटरनल अक्रूवल्स मतलब कि जो इनके कैश फ्लोज हैं, जो इनके पास कैश है उसी से यहाँ पर ये विदाउट बोरोइंग अपना एक्विशन कर लेते हैं, तो ये काफी चीज एक पॉजिटिव है। प्लेजिंग बिल्कुल शून्य है, 60% के आसपास आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग है जो कि पॉजिटिव है। अगर देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर कम होता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन स्टिल 60% के आसपास यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग है जो कि QIP इन्होंने की थी, तो उसके तहत यहाँ पर जो है सारा माल भैया FIIs ने उठा लिया, तो बड़े बड़े FIIs यहाँ पर इन्वेस्टेड है। नोमोरा जैसे अगर मैं आपको बताऊं, देखिए कौन कौन यहाँ पर इन्वेस्टेड है, देखिए एबरडीन है, फ्रैंकलिन टेम्पलटन कुवैत है, नोमोरा है, ईस्ट स्प्रिंग है, तो बड़े बड़े FIIs यहाँ पर इन्वेस्टेड हैं। DIIs आप देखें तो DIIs ने भी अपनी होल्डिंग पिछले 2 क्वार्टर में लगातार बढ़ाई है, तो DIIs में कौन है, L&T है, निपॉन है, आदित्य बिरला है, रिलायंस कैपिटल है, तो बड़े बड़े FIIs DIIs यहाँ पर इन्वेस्टेड हैं। डेफिनेटली दोस्तों अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रह सकते हैं, अगर अभी भी आपको बाय करना है तो ज़रूर कर सकते हैं, कहीं ना कहीं ये कंपनी दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी लग रही है, जहाँ पर पूरे एक डेकेड का यहाँ पर ग्रोथ प्लान रख दिया है मैनेजमेंट ने हमारे सामने, तो यहाँ पर कंपनी डेफिनेटली काफ़ी अच्छी है फंडामेंटली, और जो मैनेजमेंट है दोस्तों एग्जीक्यूशन इसका काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, जो इनके प्लान्स है एग्जीक्यूशन प्लान्स, जो इनके यू नो एक्विशन प्लान्स हैं उनको काफ़ी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। जहाँ पर अगर बात करें इनके एक्विशन की, तो लगातार इनके जितने भी एक्विशन है अभी तक दोस्तों प्रॉफिटेबल साबित हुए हैं, तो आगे भी जितने भी एक्विशन करेंगे जैसे कि मैनेजमेंट ने बोला है इनऑर्गेनिकली ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेंगे अपने आप को और ज़्यादा एबल बनाने के लिए, तो उस हिसाब से देखें तो एफएल इंडिया दोस्तों डेफिनेटली एक बहुत ही शानदार कंपनी है। तो यहाँ पर दोस्तों इसी वीडियो को एंड करना चाहूँगा, इसी नोट पे आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव अपडेटेड कंटेंट के लिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।